हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना खाना। आज हम दम आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। इसमें आलू मेनली हम यूज़ करते हैं और ये आलू छोटे साइज़ के लेते हैं, जिससे कि वो अच्छी तरीके से भुन जाता है। और इसको सबसे पहले हम अच्छी तरह छील के उसको चाकू से या किसी चीज़ से अच्छी तरीके से छेद कर लेंगे, पोक कर देंगे और उसको गोद देंगे। उसके बाद हम इसको स्लो फ्लेम पर इसको धीरे धीरे हम इसको भूनेंगे। इसके लिए हमें देखना होगा कि आलू मीठा नहीं होना चाहिए। कई बार मीठा आलू होता है तो उसकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। नया जो आलू होता है उससे इसका अच्छा टेस्ट आता है। इसके लिए आप छांट के छोटे छोटे आलू ही लेके आइएगा तो वो बिल्कुल इसके लिए ठीक होते हैं। अब हम इन आलूओं को थोड़े से तेल में स्लो फ्लेम पर धीरे धीरे इसको फ्राई कर लेंगे, जिससे कि ये अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए। अब हम दूसरे साइड में गैस के ऊपर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के उसमें लहसुन को, अदरक को डाल के अच्छी तरह भूनेंगे। जब वो भून जाएगा तो हम उसमें प्याज को डाल देंगे और उसको भूनते रहेंगे जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। दूसरे साइड में हमारे ये आलू भून रहे हैं, वो भी एक साइड में धीरे धीरे हम उसको भूनते रहेंगे जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। इस तरफ हमने लहसुन और अदरक को भूनने के बाद हमने प्याज को डाल दिया, प्याज भी अच्छी तरीके से भुन जाए। उसके बाद हम इसमें टमाटर को डालेंगे, टमाटर और थोड़ा सा मैंने ग्रीन चिलीज को डाला है, और फिर इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। अब प्याज लहसुन अदरक को भून के पीसने की जगह डायरेक्टली पीस के भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो डायरेक्ट यूज़ हो जाएगा, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। तो आप देखेंगे दूसरी तरफ हमारे आलू भी फ्राई हो गए हैं और वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम उसी तेल में जिसमें हमने आलू फ्राई किए थे उसी में थोड़े खड़े गरम मसाले डालेंगे, जैसे तेज़पत्ता है, दालचीनी है, इसके अलावा लौंग और इलायची को मैंने इसमें डाला है। अब हम इसके बाद इसमें जो हमने मसाले प्याज लहसुन अदरक भून के पीस के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और उसको अच्छी तरीके से और चला लेंगे, भून लेंगे। इसके अलावा दही में हमने इसमें हमने 2 टेबल स्पून दही लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाला है। हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर ज़्यादा गाढ़ा लगता है तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल लीजिएगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे हमारे मसाले भुन गए हैं, फिर हम इसमें ये मिक्सचर को डाल देंगे। ये हमारे सारे मसाले हम इसमें डाल के इसको भूनेंगे अच्छी तरह। जब आप देखेंगे इसमें चारों तरफ तेल छूट गया, फिर हमने इसमें आलू को डाल दिया। अब हम इसमें आलू को अच्छी तरह भून लेंगे, जिससे उसके अंदर भी मसाले आ जाएं और उसका टेस्ट अच्छा हो जाए। फिर हम इसके में थोड़ा पानी डालेंगे और पानी डाल के उसे ढक के रख देंगे। और जब ये अच्छी तरह बॉयल होने लगे और पानी की क्वांटिटी कम हो जाए और जितना आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उतनी हो जाए, फिर आप इसको बंद कर दीजिए। अब आप देखेंगे हमारी बहुत ही शानदार दम आलू की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। इसके ऊपर आप धनिया पत्ती डाल के सर्व करें।